गुड मॉर्निंग टू ऑल. द सब्जेक्ट इज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ बेयोंसी इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. द बेयोंसी इज नोन एज बियॉन्ड फोर्स, इज द फोर्स एग्जर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट इज वोली और partially immersed in a fluid. The symbol for the magnitude of buoyancy is B. The buoyancy force की हम बात करें तो buoyancy एक force है जो exert होता है fully या partially immersed body के अंदर, जो fluid के अंदर या तो आधी डूबी हुई है या पूरी डूबी हुई है. ठीक है, तो वहाँ पर जो एक force लगता है उसको हम बेयोंसी बोलते हैं. जो फोर्स एग्जर्ट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ वेट ऑफ इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी डायरेक्शन के अपोजिट में जो आपका फोर्स लगता है उसको हम बेयोंसी फोर्स बोलते हैं. ठीक है, तो हम बात करें इसकी इसके बारे में और भी बेटर जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि इट इज ए बेयोंसी इज ए अपथ्रस्ट फोर्स, ये एक अपथ्रस्ट फोर्स है. इज एन अपथ्रस्ट फोर्स एग्जर्टेड बाय द फ्लूड दैट अपोजिज द वेट ऑफ द पार्शियली और फुली इमर्स्ड ऑब्जेक्ट. ठीक है, इन ए कॉलम ऑफ फ्लूड प्रेशर इंक्रीजेज विथ डेप्थ एज ए रिजल्ट ऑफ वेट ऑफ द ओवरफ्लाइंग फ्लूड. दस द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ ए कॉलम ऑफ फ्लूड इज ग्रेटर दैन at the top of the column. The pressure at the top bottom of an object submerged in the fluid is greater than that of top of object. In the buoyancy force में हम एक principle की बात करेंगे, वो Archimedes का principle सिद्धांत है, वो ये है कि the weight of displaced fluid is directly proportional to the volume of displaced fluid. In simple term में बात करें तो principle states that the buoyancy force of on an object is equal to the weight of the fluid displaced by the object or density of the fluid multiplied by the submerged volume times the gravitational acceleration g. Thus the among completely submerged object with equal masses, objects with greater volume have greater buoyancy. This is also known as upthrust force. ठीक है, तो finally इसका जो mean हुआ वो ये हुआ कि जो buoyant force है उसकी जो value है वो किसके equal आ गई, weight of displaced fluid के. buoyant force की जो value है वो weight of displaced fluid के इक्वल आ गई. जो आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है वो ये बोलता है कि वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूड. जितना वॉल्यूम आया, जो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ, मान लो कि किसी भी कंपोनेंट के अंदर वाटर में जब हम उसको डालते हैं तो वो जितना डिस्प्लेस हुआ, जितना नीचे गया, इमर्ज्ड हुआ अंदर पानी में, तो जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ उतना अमाउंट ऑफ वाटर या उतना अब वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूड है ना, वो आपका किसके इक्वल आएगा, वो उस बेयोंसी फोर्स के इक्वल आएगा. ठीक है, तो एग्जांपल हम इसका ले लेते हैं आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के. तो वे है अ हीलियम वॉल्यूम वेलोन इन ए मूविंग कार ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इंक्रीजिंग स्पीड द एयर मास इनसाइड द कार मूव्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द कार्स एक्सीलरेशन. द बैलून इज आल्सो पुल्ड दिस वे, हाउएवर बिकॉज द बैलून इज बियॉन्ड रिलेटिव टू द एयर इट एंड्स अप बीइंग पुश्ड आउट ऑफ द वे एंड विल एक्चुअली ड्रिफ्ट इन द सेम डायरेक्शन एज द कार्स एक्सीलरेशन. इफ द कार स्लो डाउन द सेम बैलून विल बिगिन्स टू ड्रिफ्ट बैकवर्ड. So the same reason as the car goes around a curve, the balloon will drift towards inside the curve. ठीक है, तो ये आपका
आर्किमिडीज का प्रिंसिपल का एग्जांपल होता है, और हम इसकी अनदर एग्जांपल की बात करें तो अनदर एग्जांपल में हमारे पास इसका जैसे कि नाव होती है ना, तो नाव या जो शिप होता है उसका जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है वो भी हम इसमें ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसी के अंदर आर्किमिडीज के अंदर जो ये डायग्राम मैंने शो किया है कि डेंसिटी एंड ब्योयंसी फोर्स, तो ब्योयंसी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, क्लियर है इसमें, है ना। व्हाट इज द डायग्राम, द रेड एरिया रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट हैज बीन डिस्प्लेस्ड बाय द शिप, ठीक है। दिस इक्वेशन कैलकुलेट द ब्योयंसी फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट दैट डिस्प्लेस ए सर्टेन वॉल्यूम, हाँ ठीक है। तो हम अब इसकी बात करें कि ये क्या है, देखो ये हुआ क्या है कि मास इक्वल टू होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है, और जो आपका डब्ल्यू होता है वो एम जी के इक्वल होता है, तो जो वेट होगा एक्चुअल में किसका, डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का, है ना, वो होगा रो जी वी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया, डब्ल्यू एम की जगह पर रो वी यहाँ पर पुट कर दिया, तो जो वॉल्यूम जो वेट होगा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम का वो क्या होगा, रो जी वी, ठीक है, ये आपका यहाँ निकल गया आएगा। तो फिर हुआ क्या भैया, ब्योयंसी फोर्स कैसे निकल के आया कैलकुलेशन में, तो कैलकुलेट द ब्योयंसी फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल एक्सपीरियंस द ब्योयंसी फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इन एम्प्टी स्पेस, मान लो कि ये जहाज है इसका स्पेस में या एम्प्टी खाली स्पेस में इसका वेट कितना है, ठीक है, उसमें से हम माइनस कर देंगे वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन द फ्लूड, ठीक है, जो फ्लूड में इमर्ज्ड होता है उसके बाद इसका वेट कितना हुआ, ठीक है, तो आपका ब्योयंसी फोर्स निकल जाएगा, ठीक है। एक तरीका तो आपका ये हो गया, दूसरा तरीका ये भी है कि जो किसके इक्वल हुआ ब्योयंसी फोर्स, वेट ऑफ द फ्लूड डिस्प्लेस्ड, कितना फ्लूड उसका डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, तो कैलकुलेशन में तो ये अपन निकाल नहीं सकते कि कितना फ्लूड डिस्प्लेस हुआ, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ब्योयंसी फोर्स कैलकुलेशन के लिए हम इस तरह से इसको निकाल पाते हैं। भाई जो अमाउंट आपका डिस्प्लेस हो रखा है, आपने कोई भी जैसे कि एक बड़े कंपोनेंट में पानी का भरा हुआ एक कंटेनर है, उसके अंदर आपने बॉल या एक बड़ा पात्र कोई भी आप ले सकते हो, उसको जब जैसे आप डालोगे तो कुछ आधा डूबा हुआ होगा चाहे पूरा डूबेगा, जो भी जितना भी डूबेगा, तो अपन कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे कि वो जितना भी डूब रहा है, जो जितना पार्ट उसने वॉल्यूम उस कंपोनेंट ने या जो सरफेस एरिया कवर किया है, तो कवर करने के बाद वो नीचे तक डूबा है, इमर्ज डूबा है ना, तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, कितना फ्लूड का वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, ये चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते अपन, इसलिए डायरेक्टली कैलकुलेशन के लिए हमने ये निकाला है कि ऑब्जेक्ट ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द एम्प्टी स्पेस माइनस वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन द फ्लूड, ठीक है, इससे अपन आराम इजीली ब्योयंसी फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें ब्योयंसी फोर्स के लिए यहाँ पर दी हुई है, हम इसके बारे में एग्जाम्पल में और भी ले सकते हैं, अब मन जैसे कि इफ़ यू ड्रॉप अ वुड इन द वाटर द ब्योयंसी फोर्स विल कीप इट फ्लोट, और एक एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दे ही दिया है, और इसके अलावा हम इसकी में एक चीज़ और देख सकते हैं कि द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूड आर्किमिडीज़ के अंदर जो प्रिंसिपल है आर्किमिडीज़ का, वो क्या कहता है कि वो ये कहता है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये कि डज नॉट कंसिडर द सरफेस टेंशन, है ना, जो ये प्रिंसिपल है डज नॉट कंसिडर द सरफेस टेंशन एक्टिंग ऑन द बॉडी बट दिस एडिशनल फोर्स मॉडिफाई ओनली द अमाउंट ऑफ फ्लूड डिस्प्लेस्ड, ठीक है, ये है इसका, तो एंड स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, सो द प्रिंसिपल दैट ब्योयंसी इक्वल टू वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम रिमेन वैलिड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर, और यहाँ पर हम इसकी बात करें तो इट इज़ ए अपवर्ड फोर्स एग्जर्टेड बाय ए फ्लूड दैट अपोजेज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन ए फ्लूड, ठीक है। ब्योयंसी की हम एक वापस यदि हम बात करें तो शॉर्ट में ये है कि एक अपवर्ड
फोर्स है जो कि क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है ना, जो फ्लूड इमर्स्ड हो रहा है उसके वेट का, वेट ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट इमर्स्ड इन अ फ्लूड। ठीक है, द प्रेशर इन द फ्लूड कॉलम इंक्रीजेज विद डेप्थ, दस द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड इन द फ्लूड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ टॉप, दैट एट द टॉप। ठीक है, तो इस तरह से हम बात करें, द डिफरेंस इन द प्रेशर रिजल्ट इन एन नेट अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट विच वी डिफाइन एज ब्योंसी। सेंटर ऑफ ब्योंसी की हम बात करें तो पॉइंट वेयर द फोर्स ऑफ ब्योंसी इज अप्लाइड और द पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट वेयर द फोर्स एक्ट आर टर्म एट सेंटर ऑफ ब्योंसी। ठीक है, इट इज शुड बी इलस्ट्रेटेड दैट द फोर्स ऑफ ब्योंसी इज ए वर्टिकल फोर्स एंड दस द सेंटर ऑफ ब्योंसी इज द पॉइंट सिचुएटेड ऑन द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड दैट इज बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ ब्योंसी के बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसमें हम आगे एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक मैं आपको एक अपथ्रस्ट के बारे में और बता देता हूँ कि द बियॉन्ड फोर्स इज एन अपथ्रस्ट अपवर्ड फोर्स एग्जर्टेड ऑन ए ऑब्जेक्ट दैट इज फुली पार्शियली इमर्ज्ड इन द फ्लूड। द दिस अपवर्ड फोर्स इज ऑल्सो नोन एज अपथ्रस्ट। ठीक है, दिस इज ड्यू टू बियॉन्ड फोर्स दैट ए बॉडी सबमर्ज्ड पार्शियली और फुली इन द फ्लूड अपीयर्स टू लॉस इट्स वेट। ठीक है, अपीयर टू बी लाइटर। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं अपथ्रस्ट को। ठीक है, न्यूमेरिकल करते हैं। ए वुडन ब्लॉक ऑफ विड्थ 1.25 मीटर, डेप्थ रखी है 0.75 मीटर, लेंथ है 3 मीटर इज फ्लोटिंग इन द वाटर, स्पेसिफिक वेट ऑफ द वुड इज 6.4 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ब्योंसी, पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ब्योंसी। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। द विड्थ ऑफ द वुडन ब्लॉक, डेप्थ ऑफ द वुडन ब्लॉक, सब कुछ दे रखी है, लेंथ दे रखी है इसकी, है ना, और वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक का वॉल्यूम हम इससे कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम तो कैलकुलेट करना कंपलसरी है ही भाई, अपन जब हम ब्योंसी की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना हुआ, ब्लॉक का तो हमको कैलकुलेट कर लिया अकॉर्डिंग टू डायमेंशंस। अब वॉल्यूम जो वाटर का है वो डिस्प्लेस कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है ना, इससे पहले इसकी स्पेसिफिक वेट ऑफ वुड निकाल लेंगे, है ना, और वेट ऑफ ब्लॉक निकाल लेंगे। सब निकालने के बाद हमने फॉर्मूलेशन में पढ़ा था, तो उस फॉर्मूलेशन के अकॉर्डिंग वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल टू वेट ऑफ वुडन ब्लॉक। ठीक है भाई, जितना ब्लॉक का वेट होगा उतना ही तो वाटर डिस्प्लेस हो पाएगा, है ना, तो वाटर डिस्प्लेस उतना ही होगा जितना वुडन ब्लॉक का वेट होगा। ठीक है, तो वॉल्यूम कितना निकलना है, अब आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है भाई, मास तो डब्ल्यू इंटू जी होता है ना, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या होता है, वेट डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड अपॉन वेट ऑफ वेट डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, तो वेट निकाला, ये फॉर्मूला अपन फर्स्ट उसमें यूनिट में पढ़ चुके हैं प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ब्योंसी की पोजिशन की बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इन वाटर, ठीक है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ और वुडन ब्लॉक का वाटर में जो वॉल्यूम है वो कितना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हमने मान लिया एच जो यहाँ पर है, ये डेप्थ ऑफ वुडन ब्लॉक इन वाटर, वाटर में कितना डेप्थ है इसका। ठीक है, ये यहाँ पर जो एच दिया है ना, ये जो एच दिया है मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ ये चीज़, है ना, ये यहाँ पर शो हो रखी है, ये जो हाइट इसने यहाँ पर दी है, ये वाली ये हाइट जो दी है, ये हाइट आपकी जो ब्लॉक वाटर में डूबा हुआ है जितना, ये उसकी हाइट है। ठीक है, अब इतना डूबा हुआ है इसका मतलब ये चीज़ क्लियर है कि वाटर इसी के वॉल्यूम में, ब्लॉक जितना डूबा हुआ है उसी के वॉल्यूम में वाटर डिस्प्लेस हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है इसके अंदर, तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे सीधा सीधा, एच की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आप निकाल सकते हो। सेंटर ऑफ ब्योंसी क्या होगी, सेंटर ऑफ ब्योंसी सीधी सी बात है, सेंटर हाफ में होता है ना, सेंटर ऑफ ब्योंसी, तो एच की जो हाफ हाइट है उस पर आपका सेंटर ऑफ ब्योंसी निकल के आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड एंड फ्लोटिंग बॉडीज. देयर आर थ्री पॉसिबल सिचुएशंस फॉर द बॉडी व्हेन इमर्ज्ड इन ए फ्लूड. इफ द वेट ऑफ बॉडी इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ लिक्विड ऑफ इक्वल वॉल्यूम देन द बॉडी विल सिंक इनटू लिक्विड. ठीक है. और सेकेंड वन इज द वेट ऑफ बॉडी इक्वल्स द वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड देन द बॉडी विल सबमर्ज्ड एंड मे स्टे एट एनी लोकेशन बिलो द सर्फेस. बहुत सिंपल चीज़ें हैं. द थर्ड वन इज इफ द वेट ऑफ बॉडी इज लेस देन वेट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड देन द बॉडी विल बी पार्शली सबमर्ज्ड एंड विल फ्लोट इन द लिक्विड. तो ये अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑफ सबमर्ज्ड बॉडी, मतलब कौन सी बॉडी डूबेगी, कौन सी आधी रहेगी और कौन सी ऊपर तैरेगी. ठीक है, कुल मिला के ये है. तो इसमें सीधी सी बात है कि जो वेट है वो डिपेंड करता है वेट का. इफ द वेट ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड ऑफ इक्वल वॉल्यूम, ठीक है, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, बॉडी विल बी सिंक हो जाएगी, है ना. इस तरह से चीज़ें, तीनों चीज़ें हैं यहाँ पर. नेक्स्ट आता है आपका टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी. देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम यहाँ पर निकल के आते हैं. स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता क्या है कि व्हेन ए बॉडी इज गिवन ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना, बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, देन इट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन ड्यू टू इंटरनल फोर्स, वेट एंड अपथ्रस्ट. सच एन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम. ठीक, मतलब सम एक्सटर्नल फोर्स एंड इट रिटर्न टू बैक इट्स ओरिजिनल पोजिशन, पर यदि आ जाती है ड्यू टू इंटरनल फोर्सेज की वजह से तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाएगा. अनस्टेबल में इफ द बॉडी डज नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, पर नहीं आती है तो फ्रॉम द स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंगुलर पोजिशन एंड हील फर्दर अवे व्हेन गिव ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सच ए इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में इफ ए बॉडी व्हेन ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑक्यूपाइज ए न्यू पोजिशन एंड रिमेन्स ए रेस्ट इन दिस न्यू पोजिशन, इट इज सेट टू पोजेज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम. ठीक है. नेक्स्ट आता है आपका मेटा सेंटर एंड मेटासेंट्रिक हाइट की हम बात करेंगे यहाँ पर इस डायग्राम में. तो मेटा सेंटर हाइट इज द मेजर ऑफ मेजरमेंट, सॉरी, मेटा सेंटर इज ए मेजरमेंट ऑफ इनिशियल स्टेटिक स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी. इट इज कैलकुलेटेड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ शिप एंड द एंड इट्स मेटा सेंटर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हम इसको अब चेक कर सकते हैं. देखो, ये सी सर्फेस है, यहाँ पर साफ साफ दिया हुआ है, मैं आपको आज डायग्राम से बता देता हूँ. ये सी सर्फेस दी हुई है ना, और यहाँ पर ये मेटा सेंटर है और ये वर्टिकल लाइन है, इसको हम सेंटर ऑफ बियोन्सी बोलेंगे. वर्टिकल लाइन पर सेंटर ऑफ बियोन्सी यहाँ पर इसकी क्लियर है. ठीक है, और ये आपका हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपके पास यदि ये जो भी डायग्राम है इस डायग्राम के सेंटर पर होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका ये चीज़ शो करता है कि आपका जो वेट है वो सेंटर में लाई कर रहा है. ठीक है, आपका इस बॉडी का जो वेट है वो सेंटर में लाई कर रहा है. ठीक है, तो इस बॉडी का जो सेंटर है वो ये होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यहाँ पर इसने निकाला है. क्योंकि हम सेंटर ऑफ बियोन्सी की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सी सरफेस के लेवल की हम बात करें तो वर्टिकल डायरेक्शन ये होगी यहाँ पर कहीं. ठीक है, तो हम इसको एक बार साफ कर लेते हैं. तो मेटासेंट्रिक हाइट जो होगी वो क्या होगी, जो मेटा सेंटर है, मेटा सेंटर क्या होगा, जो आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो वर्टिकल लाइन है और आपका जो सी लेवल या सरफेस है, हमारी सी सरफेस है, उसका जो परपेंडिकुलर लाइन है जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, कोइंसाइड क्रॉस करेंगे, तो वो जो पॉइंट आके आएगा वो मेटा सेंटर होगा. हाँ, इन दोनों का जो पॉइंट बन के आएगा वो क्या होगा, मेटा सेंटर होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसकी बात करें आगे तो ये इन दोनों के बीच में ग्रेविटी से लेके और मेटा सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो मेटा सेंट्रिक हाइट होती है. ठीक है, और ये सेंटर ऑफ बियोन्सी यहाँ पर शो ही रखा है. ठीक है, ये रोल हुआ है, जितना एंगल पर रोल हुआ है यहाँ पर ये रोल शो कर रखा है नीचे की तरफ. ठीक है, ये सब चीज़ यहाँ पर क्लियर है आपकी. तो
अब हम बात करें तो मेटा सेंटर हाइट इज ए मेजरमेंट ऑफ इनिशियल स्टेटिक स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी है ना, एंड इट इज़ कैलकुलेटेड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ शिप एंड इट्स मेटा सेंटर। अ लार्जर मेटा सेंट्रिक हाइट इम्प्लाइज ग्रेटर इनिशियल स्टेबिलिटी अगेंस्ट ओवरटर्निंग। द मेटा सेंट्रिक हाइट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द नेचुरल पीरियड ऑफ रोलिंग ऑफ हल विथ ए वेरी लार्ज मेटा सेंट्रिक हाइट बींग एसोसिएटेड विथ शॉर्टर पीरियड ऑफ रोल विच आर अनकम्फर्टेबल फॉर पैसेंजर्स। हैंस द सफिशियंटली बट नॉट एक्सेसिवली हाई मेटा सेंट्रिक हाइट इज कंसिडर्ड आइडियल फॉर पैसेंजर शिप्स। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास मेटा सेंट्रिक क्लियर होता है टॉपिक। सो आज के लिए आपका ब्योंसी वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।